गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इससे पहले कल हम आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ा चुके हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। आज हम आते हैं यहाँ पर जनरल टॉपिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज द गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, गैमेट्स भी बनते हैं, और ये डेवलपमेंट जो है यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर लेवल तक कंटिन्यू होता रहता है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद टॉपिक लेंगे रिप्रोडक्शन प्लांट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which gametogenesis means formation of gametes takes place in special sex organs and meiotic division takes place. Meiotic division takes place in this process. जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। और जब गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर, तो आपने गैमेट फॉर्मेशन का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बाद में क्या होगा, फ्यूजन। अब दिस इज द एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स है उसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, और गैमेटोजेनेसिस स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स में होगी। और उसमें जब स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स में गैमेटोजेनेसिस होती है तो हमेशा क्या कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और उसके बाद यहाँ पर फ्यूजन होता है गैमेट्स का, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, उसमें उसको इवेंट्स में डिस्क्राइब किया गया है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले होता है कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में यहां पर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड स्टेप इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एनिमल्स में भी और किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन में देखिए सब नॉर्मल चीजें आपको पढ़ा हुआ है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो गैमेट्स बन रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन भी आपने देखा है जो एल्गी होते हैं, मेरी एल्गी में वो थ्री टाइप्स के हैं, आपने पढ़ा है आइसोगैमी एंड आइसोगैमियन एंड
तीन प्रोसेस होते हैं, आइसोगैमी यानी समयुग्मकी, एनाइसोगैमी माने विषमयुग्मकी, और तीसरा उगैमी, उगैमी माने अंडयुग्मकी। क्या डिफरेंस है तीनों में? अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन देखें, निषेचन के पहले कौन कौन सा स्टेप होता है, तो निषेचन के पहले जो स्टेप होगा यहां पर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस में क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे ना। सबसे पहले तो मेन पार्ट है यहां पर गैमेटोजेनेसिस, माने युग्मक का बनना। अब जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब की जा सकती है। जैसे गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो देयर थ्री टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एक होता है कहते हैं आइसोगैमी, आइसो माने क्या होता है, आइसो माने होता है सेम, और गैमी माने गैमेट, हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या है, इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हैं दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज एंड डिफरेंट इन नेचर। फ्यूजन कब होगा, जैसे आप फिजिक्स से पढ़ते हैं एक प्लस का आवेश होता है एक माइनस का होता है, तब विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से सेम शेप एंड साइज बट डिफरेंट इन नेचर, तो यहाँ पर क्या है, सेम शेप एंड साइज, एक ही आकार और आकृति के हैं बट डिफर इन नेचर। जब नेचर डिफर करेगा तभी वो गैमेट क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को आएंगे फ्यूजन। अभी हम क्या पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले। अब आप दूसरा स्टेप देखिए, इसको दूर ले जाए थोड़ा, इसको कहते हैं एनाइसोगैमी। तो एनाइसो माने होता है यहां पर डिफरेंट, तो जो गैमेट्स हैं वो शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, वो भी किसका, गैमेट्स का। तीसरा होता है उगैमी। उगैमी में उ बना है ओवम से, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं आइसोगैमी को विषमयुग्मकी या असमयुग्मकी भी कहते हैं। कुछ जगह किताब में विषम लिखा था, दूसरे असम, दोनों सही हैं। और उगैमी को कहते हैं अंडयुग्मकी। अंडयुग्मकी क्या होगा, यहां पर वन गैमेट लार्जर एंड नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल माने अचल, एंड अदर स्मॉल एंड मोटाइल। एक गतिशील होगा लेकिन वो छोटा होगा, और एक कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा तो साइज में बड़ा होगा। तो जो गतिशील होगा दैट इज कॉल्ड द मेल, और जो फीमेल होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल। ह्यूमन बींग्स में कौन सी कंडीशन है, उगैमी है, हमारे जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लार्जर साइज का होता है। यहां पर बना दें, यहां पर शेप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेचर में भी डिफर, नेचर डिफर करता है, मेनली नेचर यहां जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहां दोनों शेप साइज बिल्कुल सेम है, इसलिए नेचर मेनली यहां जरूरी है। जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है हमारी यहाँ पर युग्मक जनन, तो युग्मक जनन जब हो जाता है तो फिर युग्मक क्या हो जाते हैं, अलग अलग शेप और साइज के नेचर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ क्या होगा, गैमेट्स, तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उगैमी। शेप और साइज सेम है, नेचर डिफरेंट है, आइसोगैमी। और तीनों का एग्जाम्पल क्या है, क्लैमिडोमोनास है, बुक में लिखा हुआ था कहीं, क्लैमिडोमोनास क्या होगा बताइए, क्लैमिडोमोनास की तीन वैरायटी है, तो लिखा है एक में क्लैमिडोमोनास ब्राउनी है, एक में क्लैमिडोमोनास कॉकी फेरा है, ठीक है ना। हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, हायर माने उच्च श्रेणी की, जैसे मैमल्स हो गए, एनिमल्स और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म है, और यहाँ पर मतलब यूकैरियोटिक में एल्गी भी है,
एल्गी में भी यहाँ पर आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और कौन सी उगैमी दशा पाई जाती है, क्योंकि एल्गी भी यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के बाद फिर जब यूकैरियोट आते हैं तो उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं। तो एल्गी भी यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी। जैसे कोई यूनिसेलुलर एल्गी के नाम बताइए, एक कोशिकीय शैवाल का, कोई भी एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताना है, आप बताओ। क्लोरेला है, क्लैमिडियोमोनास है, दोनों यूनिसेलुलर हैं, ठीक है ना। और मल्टीसेलुलर में बताओ, बहुकोशिकीय में, अरे अल्वा है, लैमिनेरिया है, सार्गासम है, ठीक है, पॉलीमिक्सा है, ये सब क्या है, बैक्टेरियोस्पर्मा में, ये सब मल्टीसेलुलर है। तो एल्गी में दोनों कैटेगरी है, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, बैक्टेरियोस्पर्मम, इसके अलावा लैमिनेरिया, सार्गासम, अल्वा, ये सब बहुत बड़े साइज के हैं, देख सकते हैं ये मल्टीसेलुलर है। अब एक वर्ड यूज होता है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, क्या होता है, द्विलिंगी और एक लिंगी, ठीक है ना। हम लोग कंपेरेटिव पढ़ रहे हैं अभी, हम पर्टिकुलर ना प्लांट पढ़ रहे हैं ना एनिमल पढ़ रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल क्या डिफरेंस है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल बताइए। अरे बाइसेक्सुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक में, एनिमल एक ऑर्गेनिज्म में ही है, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल में केवल एक टाइप का क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ह्यूमन बींग्स किसमें आता है, कंफर्म नहीं है, यूनिसेक्सुअल में ना। तो बाइसेक्सुअल यहाँ पर बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन सेम इंडिविजुअल, सेम ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर क्या है, डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, या फिर मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो इसमें एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, इसमें एग्जांपल कौन सा है एनिमल के केस में, एनिलिडा में अर्थवर्म है वो बाइसेक्सुअल होता है, लीच भी क्या होता है बाइसेक्सुअल होता है। अगर हम प्लांट के केस में देखें, ठीक है, तो यहां पर जैसे यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल में सब मेल अलग है और फीमेल अलग, यहां पर क्या है बाइसेक्सुअल में, ऐसे डिनोट कर सकते हैं प्लांट को। अगर हम यूनिसेक्सुअल में यहां पर मेल और फीमेल को अलग अलग डिनोट कर रहे हैं, तो अगर ये प्लांट होता या प्लांट है तो प्लांट में इसको क्या कहेंगे, दूसरा नाम इसका मोनो, थोड़ा और सही करिए, मेल को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टेमिनेट। स्टेमिनेट से क्या मतलब है, स्टमेन में है, स्टमेन में प्रोकेसर, और इसको क्या कहते हैं पिस्टिलेट। पिस्टिलेट इसकी इकाई है, इकाई है, तो इसको स्टेमिनेट भी कहते हैं प्लांट के केस में, और इसको क्या कहते हैं पिस्टिलेट, ठीक है ना, ये प्लांट्स। अगर वो यूनिसेक्सुअल है, और नहीं तो फिर अगर बाइसेक्सुअल है तो फिर आप सीधे सीधे फ्लावर में दोनों पार्ट आ जाते हैं, तो सीधे क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। लेकिन अगर मेल फीमेल अलग अलग हैं तो मेल को स्टेमिनेट भी कह सकते हैं और फीमेल को पिस्टिलेट भी कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल के कोई और वर्ड भी यूज होता है क्या, बाइसेक्सुअल के लिए होमोसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल के लिए कोई वर्ड यूज होता है हर्माफ्रोडाइट, क्या वर्ड यूज होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं। अब एक वर्ड आता है मोनोशियस और डायोशियस, मोनोशियस एंड, छोटे छोटे से टेक्निकल टर्म्स हैं,
इसको जब हम पढ़ लेंगे इसके बाद हम आएंगे रिप्रोडक्शन एनिमल्स रिप्रोडक्शन प्लांट्स। तो मोनोशियस और डायोशियस ये वर्ड यूज होते हैं प्लांट के लिए और स्टेमेट और पिस्टेट यूज होते हैं फ्लावर के लिए, ठीक है। बाइसेक्चुअल यूनिसेक्चुअल यूज करते हैं लेकिन ये स्पेशली यूज होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। आपको बताना है कि वर्ड मोनोशियस एंड वर्ड डायोशियस किसको पता है बेटा? यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष तो और दूर दृष्टि दोष भी, तो जो कंफ्यूजन है वही यहाँ पर है। मोनोशियस मने है नहीं, हाँ मोनोशियस मने उभयलिंगाश्रयी और डायोशियस मने, यहाँ मोनो मने आपको एक समझ आ रहा है एक नहीं है, ये उभयलिंगाश्रयी इसका मतलब है कि ऐसा प्लांट जिसमें अलग अलग ब्रांच पर जो है मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, दैट प्लांट इज कॉल्ड द मोनोशियस एंड फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमेट टू पिस्टेट, अलग अलग ब्रांच पर है। एंड द डायोशियस क्या होगा, बोथ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना, आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो ये यहाँ पर डायोशियस को कहते हैं एक लिंगाश्रयी, मतलब एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन है, या तो उस प्लांट में केवल मेल सेक्स ऑर्गन होगा फ्लावर में, या केवल क्या होगा फीमेल होगा, तो मेल और फीमेल फ्लावर भी होंगे और अलग अलग प्लांट पर होंगे। कुछ प्लांट में केवल मेल होंगे एक ही वैरायटी में, कुछ में केवल क्या होंगे फीमेल होंगे, इसमें क्या होगा अलग अलग ब्रांच पर, प्लांट एक ही है लेकिन ब्रांच अलग अलग है, लेकिन दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स के फ्लावर क्या होंगे पाए जाएंगे। सो इट्स कॉल्ड द मोनोशियस एंड इट्स कॉल्ड द डायोशियस। अब मोनोशियस और डायोशियस के बाद हम प्री फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें आते हैं, पोलिनेशन में आते हैं। अभी यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पहले गैमिट्स बन गए, ठीक है। प्लांट के केस में गैमिट किस फॉर्म में बन रहा है, पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में। अब पोलन ग्रेन्स में अभी मेल गैमिट नहीं बना, अब पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होते हैं तो उसको कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या है परागण की, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। पराग्रम का कहाँ से निकलकर कहाँ तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना, कहाँ तक वर्तिकाग्र तक जाना, उसे कहते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को बाद में डिटेल में लेंगे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड है, क्रॉस के अलग अलग मेथड है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन में आते हैं सबको पता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन कौन सा होता है, एक को कहते हैं यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरे को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, हाँ द फ्यूजन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे उसको एक्सटर्नल, और अगर यहां पर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन दैट इज कॉल्ड द इंटरनल। एग्जांपल एक्सटर्नल फ्रॉग, यस, मेल फीमेल जो होता है वो अपने ओवम को वाटर में रिलीज करता है और जो मेल फ्रॉग होता है वो उसी के ऊपर अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है और किस फॉर्म में, फोम के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में। तो वाटर में यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, इसलिए एग्जांपल क्या है यहां पर फ्रॉग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड एनिमल्स में होता है, उसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो इंटरनल मतलब है कि यहाँ पर फ्यूजन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स है ज्यादातर में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो एग्जांपल ह्यूमन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के आधार पर तीन पार्ट बांटा है, कैसे बांटा है, एक होता है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन भी शरीर के बाहर और डेवलपमेंट भी शरीर के बाहर। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट एक्सटर्नल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हुआ लेकिन डेवलपमेंट कहां हो रहा? शरीर के बाहर, डेवलपमेंट शरीर के बाहर। और तीसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स में कौन सा है? दोनों इंटरनल है। देखिए आप यहां पर इसको तीन कैटेगरी में बांटा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने बाह्य निषेचन एंड इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट, दोनों पार्ट बॉडी के बाहर। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसकी कैटेगरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है यहां पर फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर और डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर। इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर और डेवलपमेंट कहां? बॉडी के बाहर। तीसरा फर्टिलाइजेशन भी अंदर और डेवलपमेंट भी अंदर। इसमें तो एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गया, मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स में ह्यूमन भी है और भी है। इन दोनों का आपको बताना है। ये एग्जांपल है इसमें फिशेज, मोस्टली शार्क एक्सेट्रा। फिशेज में भी तीन कैटेगरी होती है मत्स्य वर्ग में। कौन कौन सी होती है? मेनली दो है, एक तो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई है, एक है कार्टिलेजियस फिशेज और दूसरी कौन सी है? बोनी फिशेज। आप पढ़ते हैं कॉन्डिक्थिस और कॉस्टिक्थिस। तो इसमें एग्जांपल शार्क है, इसमें कौन सा है जिसमें फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर हो रहा है और डेवलपमेंट भी बॉडी के कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है। आपने इन वर्टिब्रेट्स का एक नाम सुना है ओबेलिया, है ना? किस फाइलम में आता है? निडेरिया में। और एक है नेरिस, इसमें आता है एंगिडा। दोनों इसके एग्जांपल। एक और एग्जांपल ऐड कर लीजिए, फ्रॉग, सबसे ऊपर वाले में। फ्रॉग में भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर और डेवलपमेंट बॉडी के बाहर। इन्हें बर्ड्स किस कैटेगरी में आएंगे? अरे अंडे देती है वो, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर और फिर बाद में अंडे में डेवलपमेंट, इसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉर्मल तो यही आता है एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन कभी इस तरह से पूछ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट कैसा है? एक्सटर्नल है। देखा है यहां पर फ्यूजन, फ्यूजन में भी दो क्राइटेरिया है, एक को कहते हैं एक्सोगेमी, एक को कहते हैं एंडोगेमी। बता सकते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी? सिनगेमी माने होता है फ्यूजन, क्या होता है? फ्यूजन। तो यहां पर मैंने लिखा सिनगेमी। अब सिनगेमी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक्सोगेमी शब्दों में ही उसका अर्थ है और दूसरा है एंडोगेमी। बताइए ये जो गैमिट्स का सोर्स ऑफ ओरिजिन है ना, उसके आधार पर डिवाइड किया है। आप सोचिए क्या हो सकता है एक्सो और एंडोगेमी? नहीं, बाहर तो एक्सो समझ में आ रहा है, बाकी अभी पूरा वो नहीं हुआ। यहां पर फर्टिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है एक्सटर्नल की, इंटरनल। यहां पर जो गैमिट्स की सोर्स ऑफ ओरिजिन की है
कि सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है यहां पर एक्सो है कि एंडो है। नहीं, बॉडी के अंदर के लिए ही दोनों पार्ट है, केवल गैमेट्स के नेचर और सोर्स की बात है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर ही हो रहा है फर्टिलाइजेशन। एक्सोगैमी में जो हमारे गैमेट्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल से मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, एक ही इंडिविजुअल से, और दोनों फ्यूज करते हैं। एंडोगैमी में जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग सोर्स से आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, जो मेल गैमेट होता है वो मेल से आता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवम या ओवम ही है, इससे आता है, फीमेल में बनता है। तब यहाँ पर अलग अलग सोर्स से अगर गैमेट्स आ रहे हैं तो वो एंडोगैमी है, तो अगर एक ही सोर्स से आ रहे हैं मेल गैमेट जो फीमेल, तो क्या है, एक्सोगैमी। इसको बनाइए, लिख दीजिए एक लाइन एक्सोगैमी। एक्सो में लिखिए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्रॉम डिफरेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, अलग अलग पेरेंट्स से क्या रहे हैं गैमेट्स, और उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से जो गैमेट्स है वो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। अब आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ह्यूमन इसमें किसमें आ रहा होगा, डिफरेंट पेरेंट्स वाले में आएगा, अलग अलग पेरेंट्स से मेल और फीमेल दोनों आते हैं, और जिसमें एक ही पेरेंट से आ रहा है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बाइसेक्सुअल एनिमल होगा, ठीक है ना, टीनी आया इसमें एग्जाम्पल, क्या है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम किस फायदे में आता है, कोई और एनिमल बताइए, डेफिनेटली इसका लीवर फ्लूक, फैशियोला, आपने फैशियोला का अगर स्ट्रक्चर देखा हो लीवर फ्लूक का, तो इसमें जो है जो मेल ऑर्गन है वो अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, लेकिन एक ही इंडिविजुअल में है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पर मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट, और दोनों फ्यूजन कर जाते हैं किसके अंदर, एक रचना होती है उसे कहते हैं ऊ टाइप, ठीक है ना, और उसमें सपोर्टिंग ग्लैंड्स कौन सी होती है, मेलिस ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स ऑफ मेलिस। आज स्ट्रक्चर देखिए किसका, फैशियोला का और टीनिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो निषेचन के बाद जो परिवर्तन होंगे, निषेचन के बाद क्या बनता है, तो एम्ब्रॉय बनता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रॉयजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रॉयजेनेसिस का डिटेल डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास अलग से लेसन है, लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रॉयजेनेसिस जनरल टॉपिक्स अगर देखें तो एम्ब्रॉय फॉर्मेशन में एनिमल्स के केस में मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इस तरह की क्या बनते हैं, स्टेजेस बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब डिवीजन होता है तो पहले मोस्टली जो सॉलिड स्टेट बनती है उसे कहते हैं मोरूला, मोरूला के बाद बनती है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के अंदर जब कैविटी बन जाती है उसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और ब्लास्टोसील कैविटी के बाद बनती है आर्केंट्रॉन, और फिर उसके बाद गैस्टुला बनने के पहले तीन लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, और उसके बाद तीनों लेयर से ही ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, या जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल त्रिस्तरी उनका डेवलपमेंट होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स किस फाइलम से शुरू होते हैं, प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है, ओरिफेरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है द्विस्तरीय, कौन कौन सी लेयर होती है, सबसे बाहर पिनाइकोडर्म, अंदर कोएनोडर्म, ऐसे होती है ना, सोच लीजिए, हाँ भाई, पिनाकोडम पिनाकोसाइट से बनती है, कोएनोडम कोएनोसाइट से बनती है, नेडेरिया भी डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय है,
कौन कौन सी लेयर होती है, बाहर की एपिडर्मिस होती है, एपिफ्लेमा कहते हैं, अंदर की गैस्ट्रोडर्मिस होती है, ठीक है ना, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, बीच में कौन सी लेयर होती है, बीच में कौन सा जेलनुमा पदार्थ होता है, फाइलम नेटेरिया में बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस जो जेलनुमा पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज नॉट द लेयर, दैट इज द जेलनुमा सब्सटेंस कॉल्ड द मीसोग्लिया एंड द जेलनुमा सब्सटेंस बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म इन द पोरीफेरा इज कॉल्ड मीसोहिल, पोरीफेरा मीसोहिल कहते हैं और नेटेरिया में मीसोग्लिया कहते हैं, ठीक है ना, दोनों जेलनुमा पदार्थ हैं, लेयर नहीं, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम किसमें आते हैं, प्लेटिएंथिस में, प्लेटिएंथिस में जैसे ही यहां पर पहले टिश्यू चल रहा था, टिश्यू से क्या बनने लगा, ऑर्गन, या फीतक में आते हैं तो ऑर्गन, जब ऑर्गन डेवलपमेंट होने लगता है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद धीमे धीमे मल्टी सेलुलरिटी तो चूंकि आ ही चुकी है कि डेवलपमेंट होता रहता है, तो फिर हम आते हैं यहाँ पर कि ट्रिप्लोब्लास्ट में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, फिर जब फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं तो मोस्ट डेवलप हो जाते हैं, और वहां पर जो हमारा मीसोडर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मीसोडर्म क्या बनाता है, आप मीसोडर्म क्या बनाएगा, एक तो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, कार्टिलेज बनाएगा, तीसरा क्या बनाएगा, बोन बनाएगा, फिर वैस्कुलर टिश्यू भी उसी डेवलप होता है, उसमें आपका लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम और कौन सा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो फिर जो मीसोडर्म है लेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमारी जो एक्टोडर्म लेयर है वो हमारे किस पार्ट में रह जाती है, किस पार्ट में, नर्वस सिस्टम के किस पार्ट में, ब्रेन में, और अभी हमने कौन सा पढ़ा था, आई पढ़ा था, आई में कौन सी लेयर, आई में कौन सी लेयर, आपको जो तीन लेयर थी ना, कौन कौन सा, स्क्लेरा, कोरवाइड और रेटिना, तो कौन सी एक्टोडर्मल थी, रेटिना थी, ठीक है, और बाकी कोरवाइड और स्क्लेरा क्या थे, मीसोडर्मल थे। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, जो टिश्यू पार्ट होता है उस टिश्यू पार्ट में जब आप देखेंगे कि बहुत कंफ्यूजन है, जब इसी आप टिश्यू में आते हैं, जब आप कनेक्टिव टिश्यू, पहले आप एपिथेलियम टिश्यू देखते हैं, तो एपिथेलियम में बहुत सारे पार्ट हैं, सिंपल एपिथेलियम यहाँ पर जो है और कंपाउंड एपिथेलियम, फिर उसके बाद एपिथेलियम में फिर से डिफरेंशिएट कर दिया कि वास्तव में वो यूनिलेयर्ड है कि मल्टीलेयर्ड है, फिर उसके बाद शेप के आधार पर कर दिया कि स्क्वैमस है कि कॉलमनर है कि कैसा है, क्यूबॉइडल है, फिर उसके बाद उसमें देखा कि वहां पर एक बनती लेयर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कि वो होती तो या एक लेयर यूनिलेयर्ड है लेकिन वो मल्टी लेयर्ड की तरह दिखती है और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो जाती है। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू में कई पार्ट कर देते हैं, पहले कहते हैं कौन सा सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कंपाउंड, फिर सिंपल के डिवाइड कर देते हैं पार्ट फिर कंपाउंड, इसलिए टिश्यू वाला जो पार्ट है उसमें नीट में कुछ टॉपिक टिश्यू से हटा दिए। लेकिन कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी लेयर क्या बनाती है, तो हमारी जो यूरेटर है, ठीक है ना, जो ओविडक्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, इसके अलावा वेस डिफरेंस है, इन सब की मेम्ब्रेन अलग अलग प्रकार के सेल किससे बनी होती है, उन सेल में केवल शेप का अंतर होता है, कोई स्क्वेमस होता है चपटे से टाइल्स चपटा होता है, कोई क्यूबॉइडल होता है घनाकार, कोई कॉलमनर होता है पिलर के आकार का, ठीक है, किसी में आगे सिलिया लगा होता है, किसी में आगे सिलिया नहीं लगा होता है, तो अलग अलग सबका फंक्शन है, जिसमें सिलिया लगा होगा तो वो निश्चित है फ्लक्चुएट करेगा या फ्लक्चुएट करेगा, उसके कारण से स्पर्म और ओवम कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देखिए आप पार्ट पढ़ते हैं ओविडक्ट और जो है फेलोपियन ट्यूब, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि उसको जो है वाइब्रेशन के कारण ये हमारी गैमेट से कहाँ बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर हम प्लांट के केस में आते हैं तो प्लांट के केस में तीन लेयर बन जाती है फ्लावर में, फ्लावर से फ्रूट बनता है तो फ्लावर किस पार्ट से बनता है, ओवरी से बनता है, ठीक है, मैच्योर्ड ओवरी से, और उसमें फिर से तीन लेयर हो जाती है फ्रूट वाल में, जो ओवरी की वाल है वो फ्रूट की वाल बनेगी, जो फ्रूट की वाल है वो ट्रिप्लोब्लास्ट तीन लेयर की हो जाती है, कौन कौन सी, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, दो तरह के फ्रूट हो जाते हैं ना, कौन कौन से, फ्रेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में तीनों लेयर अलग अलग नहीं दिख रही हैं और फ्लैशी फ्रूट में तीनों लेयर अलग अलग दिख रही हैं, जैसे कोई एग्जांपल बताओ फ्लैशी फ्रूट का, मैंगो है, तीनों लेयर को मिला के कहते हैं पेरिकार्प, अगर उसको डिफरेंशिएट कर दें पेरिकार्प को तो एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, तो एपिकार्प आपको मैंगो में भी दिखती है, नारियल में भी दिखती है,
नारियल में जब इस समय नारियल लगा होता है पेड़ पे, तो ग्रीन लेयर जो होती है वो एपिकार्प है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी जटाएं हैं जो ऐसे खींच खींच के निकालते हैं हम लोग, तो क्या है वो मीसोकार्प है, और एंडोकार्प क्या है जिसको तोड़ते हैं वो एंडोकार्प है। लेकिन मैंगो में एपिकार्प बाहर का छिलका और मीसोकार्प फ्लैशी जो खाते हैं गुदा, और एंडोकार्प जो सीड के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है, जब कभी आम काट के अचार रखते हैं तो जब काटते हैं तो अंदर से जो निकल आता है वो सीड है, और जो लेयर कटती है वो एंडोकार्प है, और जो खाते हैं वो मीसोकार्प है, और बाहर का छिलका क्या है एपिकार्प है। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग डेवलपमेंट कर दिया ये हुआ है, किस तरह से प्लांट्स को एनिमल में अलग कैटेगरी, तो एनिमल में थ्री लेयर्स हो जाती है, यहाँ पर थ्री मेम्ब्रेन्स है, तीनों को मिलाकर पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प को बाद में डिफरेंशिएट करते हैं एपिकार्प मीसोकार्प और एंडोकार्प। अब आते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, लिखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अभी तक हमने वेजिटेटिव पार्ट पढ़ लिए जिससे रिप्रोडक्शन हो सकता है लीव से, स्टेम से, ठीक है ना, और रूट से। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो क्या है, फ्लावर है। तो व्हाट इज फ्लावर, आप बताओ व्हाट इज फ्लावर, आप बताओ फ्लावर को डिफाइन कर, जो लाल लाल होता है वो जो कभी कभी भगवान ऐसे ही है ना, आप बताओ, बताओ किसको पता है मेन, वो तो हो गया। और फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, देखो फ्लावर क्या है, विच इज द मॉडिफाइड शूट, जिस समय सीड डेवलप करता है उसको दो पार्ट होते हैं रूट और शूट। शूट में क्या क्या आता है, रूट को छोड़ के बाकी सब शूट में आता है, स्टेम लीफ ब्रांचेस सब और फ्लावर सब किसमें आएगा, शूट में। दो ही पार्ट होते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, रूट को छोड़ दो बाकी जो बचा सब शूट है, तो शूट में यहाँ पे इट इज द मॉडिफाइड शूट एज वेल एज मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मॉडिफाइड शूट है ये आपको ध्यान रखना है, ये रूपांतरित प्ररोह है, तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर में भी इसी तरह से जो आइडियल फ्लावर होता है दैट कंटेन्स द फोर क्या होते हैं पार्ट्स, ठीक है, वो फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं, फ्लावर हैज फोर पार्ट्स, ठीक है ना, फर्स्ट इज द कैलिक्स, कैलिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वाहेदक पुंज कहते हैं, पुंज समूह लगा हुआ है, पुंज वाहेदक पुंज, पुंज माने समूह। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका प्लांट्स में किससे प्रदर्शित करते हैं, केस से, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट सेपल्स, सेपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पैदल। नॉर्मली कैसे होते हैं, नॉर्मली ग्रीन होते हैं, तो आउटर मोस्ट जो वर्ल है इसमें जो फ्लावर है हमारा वो फ्लावर हैज फोर वर्ल्स, चार चक्र होते हैं, चार चक्र में आप देखेंगे यहां पर फ्लावर हैज फोर वर्ल्स, चार चक्र, सबसे बाहर से शुरू करते हैं डिफाइन करना, तो कैलिक्स हो गया, कैलिक्स के बाद क्या हो गया कोरोला, कोरोला को हिंदी में कहते हैं दलपुंज, दलपुंज की जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो सी से प्रेजेंट करते हैं, और यूनिट क्या होती है पेटल्स,
गुलाब में जो रेड कलर की हैं वो पेटल्स हैं, जैसे हम सामान्यतः कहते हैं गुलाब की पत्ती तो ग्रीन होती है, पत्ती नहीं, क्या है, दल है, पेटल्स हिंदी में कहते हैं दल, मोस्टली कलर्ड। अब कलर्ड जो है वो अदर देन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन तो सिंपल हो गए तो अदर देन ग्रीन हो जाते हैं। तो हम तीसरा पार्ट कौन सा है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हिंदी में कहते हैं पुमंग, ठीक है। क्या है ये, मेल रिप्रेजेंट करने का तरीका ए है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यूनिट क्या है इसमें, स्टम है, हिंदी में क्या कहते हैं, पुंकेसर। चौथा पार्ट है गायनोशियम, हिंदी में कहते हैं जायान, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है, कार्पेल, कार्पेल माने अंडक, हिंदी कही है पिस्टिल लिखा था वो भी सही है, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है, दोनों एक ही है। अभी सब सेवेंथ एट की चीज आपको पता है, देखिए अब टॉपिक है तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। तो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, चार वर्ल्स है, चार चक्र। इसमें ये वाला पार्ट है ये सेपल हो गया, ये पार्ट हो गया पेटल हो गया, ये स्टामेन हो गया, ये वाला स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये वाला पार्ट ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर क्या लगा होता है, ओव्यूल लगा होता है, ठीक है। अब जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, पर्णव्रंथ, तो पत्ती में होता है, पर्ण माने पत्ती, पुष्पव्रंथ इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेडिसिल, पर्ण माने पत्ती, तो पर्णव्रंथ को पेटियोल कहते हैं, यहां पर इसको पेडिसिल कहते हैं, पुष्पव्रंथ। मेन पार्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि चार वर्ल्स होते हैं, चार वर्ल्स में दीज टू वर्ल्स आर द एक्सेसरी वर्ल्स, एक्सेसरी माने होता है अतिरिक्त, ठीक है ना। तो ये पुष्प के जनन अंगों की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए एक्सेसरी वर्ल्स है, अतिरिक्त चक्र पुष्प के, या फिर सहायक चक्र कहते हैं। These two part, इधर essential verbs हैं, पुष्प के आवश्यक चक्र हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन काम फ्लावर का रिप्रोडक्शन करना है, ना कि उसको रंग बिरंगा दिखना। अब यहाँ पर जो essential verbs, जिस फ्लावर में चारों पार्ट होते हैं उसे कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है ना। आपको सबको पता है हिबिस्कस, रोजा, साइंस, जो गुड़हल है और सरसों है, सब क्या है, यह कंप्लीट। अब अंतर क्या है, अगर एक सेपल है तो वही सेपल है वही कैलिक्स, ठीक है। सरसों में चार सेपल होते हैं तो चारों मिलकर क्या बनाते हैं, कैलिक्स, ठीक है। अगर पुष्प में एक पेटल है तो यही पेटल है, यही कोरोला है। अगर एक से अधिक पेटल हैं तो सबको मिलाकर क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में एक स्टामेन है, यही स्टामेन है, यही एंड्रोशियम, यही पुंकेसर है, यही पुमंग है। जैसे हमारे घर में एक ही कमरा है, तो कमरा भी वही है और घर भी वही है,
ठीक है, जिसके में 10 कमरे हैं तो 10 कमरे मिलकर घर बनाते हैं, वही कंडीशन है। गायनुष्यम में अगर एक कार्पेल है, ये वाली कार्पेल ये, तो वही कार्पेल है वही गायनुष्यम है। आप गेंदा में देखेंगे मल्टी कार्पेल है, ये बहुत सारे कार्पेल आप एक ग्रुप में है, तो सारे कार्पेल आपस में एक फ्लावर के अंदर है, वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, पुष्पों के अंदर, ठीक है। तो आप इससे और आसानी से अगर आपको देखना है तो आप किसमें देखिए, कमल कटर देखा है, कमल का फल नहीं देखा? अरे यार होगा, चले जाओ कहीं बगल में रहते हो, ऐसा कमल का फल बाजार में भी आता है। ये अलग अलग कार्पेल है, और तो कमल कटर में अलग अलग कार्पेल है, तो मल्टी कार्पेलरी है, बहुअंडपी, लेकिन सारे कार्पेल आपस में फ्यूज नहीं हो रहे हैं, वो अलग अलग है। तो मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस, बहुअंडपी और पृथक अंडपी, ठीक है। तो कई कार्पेल हैं, तो सभी कार्पेल मिलकर के गायनुष्यम बनाएंगे, और सरसों में एक ही कार्पेल है तो वही कार्पेल है वही गायनुष्यम, और जिसमें कई कार्पेल है वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, गायनुष्यम। तो ये जो इसके सिंबल है, इस सिंबल से आपको पता है पुष्प में आप पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक वर्ल अगर कम हो जाता है, कोई भी एक चक्र, तो फ्लावर को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। अगर कोई भी मान लीजिए कि उसमें 3 वर्ल है, अब हम सिंबल में पढ़ेंगे, मान लीजिए उसमें कैलिक्स है और कोरोला है और एंगुशियम, तो ये इनकम्प्लीट है, एंड यूनिसेक्चुअल है। यूनिसेक्चुअल क्योंकि एक ही सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन यही है ना, ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये इनकम्प्लीट भी है और यूनिसेक्चुअल भी है। अगर इसमें ये कंडीशन हो तो भी ये इनकम्प्लीट है और यूनिसेक्चुअल है और फीमेल फ्लावर है, फीमेल भी है क्योंकि गायनुष्यम भर है, मेल है नहीं। अगर इसमें ऐसी कंडीशन है तो भी ये इनकम्प्लीट है लेकिन बाइसेक्चुअल है, क्योंकि एंडुशियम और गायनुष्यम दोनों है, तो इनकम्प्लीट तो है लेकिन बाइसेक्चुअल द्विलिंगी है, ठीक है। और अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कैलिक्स है और कोरोला गायब हो गया, तो भी ये इनकम्प्लीट है और कैसा है, बाइसेक्चुअल है, तो इनकम्प्लीट होगा कोई भी एक चक्र कम हो जाए। और अगर ये दोनों है तो बाइसेक्चुअल है, और अगर ये दोनों में से कोई एक है तो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है। अगर एंडुशियम भर है तो उसे कहेंगे मेल फ्लावर, अगर केवल गायनुष्यम है तो फीमेल फ्लावर, और दोनों है तो क्या है, बाइसेक्सुअल कंडीशन। लेकिन हर दशा में अगर इनमें से कोई भी एक कम है तो इनकम्प्लीट होगा, लेकिन इनकम्प्लीट हमेशा क्या नहीं होता, यूनिसेक्सुअल नहीं होता, इनकम्प्लीट मे बी बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन अगर उपस्थित है तो फिर बाइसेक्सुअल हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक अब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट और कम, और जब चारों पार्ट हैं तब उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे। जितने भी डाइकॉट्स हैं द्विबीजपत्री, डाइकॉट तो आप जानते हैं ना, क्यों डाइकॉट द्विबीजपत्री, पौधे कैसे पहचानते हैं, आवृत बीजी सबसे क्या है यहाँ पर हाईएस्ट डेवलपमेंट पर है, प्लांट्स में जो मोस्ट डेवलप्ड है वो क्या है, आवृत बीजी है। आवृत बीजी को दो प्रकार में बांटा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। हम द्विबीजपत्री को पहचानते कैसे हैं, पौधे को हम दूर से देख रहे हैं तो पौधे के किस भाग से, दूर से पौधे को पहचाना जा सकता है, ये दूर से हम देखते हैं, कोई नीम लगा है पीपल का है, इसे देख के पहचानते हैं पत्ती से, ठीक है ना। तो पत्ती से देख के पहले, तो पत्तियों में ऐसी कौन सी विशेष रचना है जिससे हम बताते हैं कि ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट, शिरा विन्यास है। तो द्विबीज पत्ती में कैसा होता है, जाली के बाद आप देखिए पीपल बरगद में कभी पत्ती सूख के गिर जाती है तो उसमें आपको वेनेशन और क्लियर देखने लगता है, उसका हरा पार्ट खत्म हो जाता है तो केवल जाल रह जाता है। तो वहां पर जाली का शरण विन्यास द्विबीज पत्री है, अगर समांतर है तो एक बीज पत्री है। तो डाइकॉट में ये चारों पार्ट होते हैं, मे बी पॉसिबल की कभी कभी कोई एक आध नहीं होता, जो डाइकॉट होगा द्विबीज पत्री उसमें यहाँ पर कैसा जालिका शरण विन्यास होगा, और वो मोस्टली कंप्लीट फ्लावर होते हैं। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एक बीज पत्री पौधे में देयर इज नो डिफरेंशिएशन कैलिक्स एंड कोरोला, बाय दलपुंज दलपुंज में अंतर ही नहीं पता चलता कि बाय दल लगे हैं कि दल लगे हैं। उस दशा में मोनोकॉट्स में एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अ पेरियंथ, पेरियंथ माने परिदल पुंज, तब हम यहां पर कैलिक्स कोरोला लिखकर इसलिए लिखते हैं परिदल पुंज पी,
और उसकी इकाई होती है यहाँ पर टेपल, इसकी है सेपल, इसकी है पेटल, वहां पर दोनों को मिला दिया, क्या नाम दिया टेपल। तो मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें परिदल पुंज होता है, हमको दो बार अगर नहीं लिखना, सिर्फ परिदल, और परिदल पुंज में इकाई क्या है टेपल। अब टेपल कितने हैं, चार हैं, छह हैं, जितने भी हो उसकी संख्या देखिए, वो एग्जांपल बताइए मोनोकॉट का, नहीं फैमिली के नाम बताना है। रैन पुलेसी, अच्छा सबसे पहली फैमिली में पहुंचे, छाट के पढ़ा है तुमने इसका मतलब है, फिर पुष्प कुल का वर्णन तुमने पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें जो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है कि किसको पहले रखा गया है, किसी ने डाइकॉट को पहले रखा है, किसी ने मोनोकॉट को, किसी ने जिम्नोस्पर्म को, यही ज्यादा पूछा जाता है। तीन लोगों ने वर्गीकरण किया है, किसने किसने, एंगुलर प्रिंटर ने किया है और हचिनसन ने किया और बेंथम हुकर ने किया, तीनों की बुक का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। एंगुलर प्रिंटर की बुक का क्या नाम है, डाई नेचर लाइकन प्रेफरेंसन फेमिलियन, बहुत पूछा जाता है। बेंथम हुकर की बुक का क्या नाम है, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, शायद हचिनसन कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है ना। एंगुलर प्रिंटर का कंफर्म है कि डाई नेचर लाइकन से शुरू होता है, तो एंगुलर प्रिंटर ने वर्गीकरण किया, फिर हचिनसन ने किया, फिर बेंथम हुकर ने किया, तीनों ने केवल ये दिखाया, किसी ने मोनोकॉट को मोस्ट एडवांस माना, किसी ने डाइकॉट को माना, ठीक है ना। पहली फैमिली में भी बहुत कंफ्यूजन है, कुछ साइंटिस्ट ने रैन पुलेसी को सबसे पहला माना है, ठीक है ना। तो मोनोकॉट्स में जो फैमिली है हमारे कोर्स में, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पोएसी है, पोएसी माने ग्रेमिनी, ठीक है ना। ग्रेमिनी क्या आते हैं, अरे गेहूं आता है, वीट आता है, राइस आता है, मील आता है, किसमें आता है, ग्रेमिनी में आता है। फिर लिलिएसी भी इसी में रखा गया है। तो आपको जो देखना है कि कौन कौन से फैमिली डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से हमको प्लांट पढ़ लेने हैं, और नीट में आपके में ये बहुत आता है फैमिली डिस्क्रिप्शन, और इसका क्लासिफिकेशन, किसने किसको मोस्ट एडवांस माना है, किसने उसको फैमिली माना है, किसने उसको कोहर्ट माना है, ये ठीक है ना। तो ये जब आएगा टॉपिक में तो आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने आपको बता दिया कि फ्लावर में चार पार चार वर्ल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कंप्लीट इनकम्प्लीट कहते हैं, कब बाइसेक्सुअल कहते हैं, कब यूनिसेक्सुअल कहते हैं, और प्लांट के केस में कब मोनोशियस कहते हैं, कब क्या कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन लोगों को तो हम समझ गए, पायदल दल पुंज जो है वो पुष्प के जैन अंगों की केवल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा जो दल पुंज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो करड होते हैं, वो करड क्यों होते हैं, फ्लावर जो खिल रहे हैं रंग बिरंगे कलर के, तो फ्लावर का रंग बिरंगा कलर केवल किसका होता है, पेटल का होता है। तो ये जो करड हो रहे हैं पेटल, ये कलर क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है प्लांट द्वारा, हाँ ये केवल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पर क्या एंटमोफिली हो सके, कीट परागण, या मेलिकोफिली हो सके, मेलिकोफिली नहीं ऑर्निथोफिली, तो बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मेनली इंसेक्ट्स को क्या हो रहा है, दल हमारे करड हो रहे हैं, इससे बहुत सारी लॉट ऑफ एनर्जी उसकी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। अब यहाँ पर बाह्य दल पुंज दल पुंज को हम छोड़ देते हैं, तो पुमंग की इकाई क्या होती है, स्टमेन। पुंकेसर में तीन भाग होते हैं, हमको यहीं से शुरुआत करनी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने लघु बीजाणु जनन और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो स्टमेन में जो तीन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पुंकेसर में स्टिग्मा स्टाइल, वो तो उसमें पहुंच गया गैनुशियम में। पुंकेसर में तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द एंथर, दिस इज द फिलामेंट जहां से पकड़ते हैं उसको, जैसे पुष्प को जहां से पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पेडिसिल। एक होता है पेडंकिल, एक होता है पेडंकिल, ये ब्रांच है, ये ब्रांच में फ्लावर लगे हैं, दैट इज कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द ब्रांच, एक शाखा में पुष्पों के लगे होने का क्रम पुष्पक्रम कहलाता है। और पुष्प ये जो लगे हैं, ये अगर ये बारी में कोई फ्लावर लगा हुआ है तो ये तो पेडिसिल है, लेकिन इस पूरी ब्रांच के जो मेन ग्रंथ है दैट इज कॉल्ड द पेडंकिल, हिंदी में कहते हैं पुष्पावली ग्रंथ इज द पेडंकिल, और अलग अलग फ्लावर का जो ग्रंथ है वो है पेडिसिल, ठीक है। तो यहां पर एंथर हो गया टॉप मोस्ट पार्ट, नीचे का पार्ट फिलामेंट जहां से पकड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिव, क्या कहते हैं, कनेक्टिव,
तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? एंथर। एंथर को हिंदी में कहते हैं पराग कोश। एंथर के अंदर यहाँ पर लोब होते हैं, पार्टीशन। ठीक है, आपने पढ़ा है, जब आप पढ़ेंगे इसमें डिटेल में एंथर के बारे में, तो उसमें लिखा रहता है कहीं कहीं मोनोथीकस, कहीं लिखा था डाइथीकस। तो एंथर में मुख्य रूप से दो लोब होते हैं, और जो दो लोब होते हैं दोनों ही लोब पार्टीशन होते हैं। जब दोनों लोब पार्टीशन होंगे तो कितने पार्ट बन जाएंगे यहाँ पर? चार। ठीक है, इन चारों पार्ट में अलग अलग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर बने, पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। और पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जब जर्मिनेशन होता है तब मेल गैमेट बनते हैं। कितने मेल गैमेट बनते हैं? एक पॉलिन ग्रेन में कितने मेल गैमेट बनते हैं? मेल गैमेट दो बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन सुना है ना नाम? एक मेल गैमेट ओवम से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है। और जब मेल गैमेट्स ये दो होते हैं इस कार्ड का डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर ये जो एंथर लोब है, इस एंथर लोब के अंदर पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के फलस्वरूप यहां पर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स पहले बनते हैं टेट्राड में, ग्रुप में, क्योंकि एक सेल जब मियोटिक डिवीजन करती है तो चार सेल बनाती है, बनाती है ना। उसी तरह से यहां पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जब मियोटिक डिवीजन करेगी तो चार सेल बनेंगे। अब वो चार सेल आपस में किस प्रकार से अटैच हैं, इसका अटैचमेंट अलग अलग होता है। बुक में लिखा रहता है कहीं वो टेट्राड के फॉर्म में होंगे, कहीं वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होंगे, कहीं वो डेकोसेट के फॉर्म में होंगे, कहीं लीनियर के फॉर्म में होंगे, कहीं टी शेप में होंगे, किस क्रम में अटैच है। और ये चारों अलग अलग कहलाएंगे माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा, माइक्रोस्पोर माने पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन माने परागकण। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, परागकण यूनिट नहीं है। परागकण केवल जर्मिनेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिनेट कर सकते हैं, उड़ करके कहां तक पहुंचेंगे? स्टिग्मा तक। फिर जब जर्मिनेशन करेंगे तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है ये बनाएगा यहाँ पर पॉलन ट्यूब, और फिर इसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट। तो मेल गैमेट तुरंत नहीं बन रहे, मेल गैमेट अगर तुरंत बन जाएंगे तो कुछ समय तक उनकी वायबिलिटी रहेगी, जीवित रहने की प्रकृति 24 घंटे तक, तो वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेल गैमेट इनएक्टिव फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में बनते हैं। आप जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो एंजाइम होता है उसमें कई जगह लिखा रहता है प्रो एंजाइम बनता है, जैसे पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में बनता है। क्यों? वो इनएक्टिव फॉर्म है, वो तभी एक्टिव होगा जब हमारा फूड मटेरियल वहां पहुंचेगा, उसके स्टिमुलेशन से जो हमारा पेप्सिन है या पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में, ताकि वो ज्यादा समय तक काम कर सके। अगर वो पेप्सिन पहले से एक्टिवेट होगा तो जिस समय फूड नहीं होगा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या मेनली स्टमक में, उस समय वो स्टमक की वॉल को क्या करने लगेगा? डाइजेस्ट करने लगेगा, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मेल गैमेट जो बन रहे हैं, तो मेल गैमेट पहले पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्म में बनते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड तब तक नहीं करता जब तक जर्मिनेशन शुरू नहीं होता। और जब जर्मिनेशन तभी होता है, वो कहां पहुंचता है? स्टिग्मा में। और फिर पॉलिन ट्यूब बनती है तो अंत में कहां तक पहुंचती है? ओव्यूल तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो तब तक यहाँ पर मेल गैमेट को जिंदा रखना है, और उसको जिंदा रखने का एक ही तरीका है कि वो यहाँ पर न्यूक्लियस के फॉर्म में ही रहे और क्या ना करे, डिवाइड ना करे। तो डिवाइडेशन तभी होता है जब यहाँ पर स्टिग्मा पे आते हैं, और स्टिग्मा में वो न्यूट्रिशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है, और फिर क्या बनती है? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब लगातार अंदर जाती रहती है। तो पॉलन ट्यूब का अंदर जाना टुवर्ड्स द ओव्यूल, इसे क्या कहते हैं? किसके प्रभाव से होता है? ग्रेविटी के प्रभाव से, कि केमिकल के प्रभाव से, कि हाइग्रोस्कोपिक, किस प्रभाव से? इसे कहते हैं केमोटैक्सिस, रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से अनुचलन। दो तरह की गतियां होती है, अनुवर्तनी और अनुचलनी। तो ये केमोटैक्टिक मूवमेंट है, केमिकल के सिक्रीशन से या रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से वो पॉलन ट्यूब कहां जाती है? नीचे की तरफ जाती रहती है, ग्रेविटी कर नहीं जाती, वो केवल क्या आती है कि रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से, दैट इज कॉल्ड अ केमोटैक्टिक मूवमेंट। और फिर ये हमारी पॉलन ट्यूब अंत में कहां तक पहुंच जाती है? ओव्यूल तक। और ओव्यूल तक अंदर जाने के तीन रास्ते हैं, कौन कौन से? हाँ सही बता रहे हैं, माइक्रोपाइल तो है ही मेन पार्ट। तो माइक्रोपाइल वो नहीं है, मेथड नहीं है, वो तो पोरोगैमी है। जब माइक्रोपाइल से अंदर जाएगा तो पोरोगैमी,
तो अभी कल इसको डिटेल में लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओविल देखें, ऐसा ओविल हम लोग बनाते हैं ऐसा, तो ये दिस इज द इन्वर्टेड ओविल, कैसा है, रिवर्स वाला है, ठीक है ना, आर्थ्रोट्रॉपस नहीं है, एनाट्रॉपस है। तो यहां से ये ओवरी है ऐसा, यहां से पॉलन ट्यूब आ रही है, अगर पॉलन ट्यूब यहां से अंदर जा रही है, ये क्या है, ये माइक्रोपाइल, तो इसे कहते हैं पोरोगैमी, ठीक है। अगर वो पॉलन ट्यूब इतनी मेहनत ना करके और सीधे यहां से अंदर चली जाए, तो यहां पार्ट ये पार्ट होता है चलाजा, जिसे कहते हैं चलाजोगैमी, और अगर वो यहां से होकर के और यहां से अंदर आ रही है, ये होता है यहां पर इंटेगुमेंट, तो उसे कहते हैं मीसोगैमी। तो पोरोगैमी, मीसोगैमी और चलाजोगैमी, ये डिपेंड करता है कि कहां से पॉलन ट्यूब इंटर करेगी। तो जिन जिन में एग्जांपल देखा गया, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में यहां से पोरोगैमी से ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स में चलाजोगैमी होती है, कुछ में क्या होती है, मीसोगैमी होती है। तो हमारा जो ओव्यूल होता है, वो ओव्यूल में मेन तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मेन, जिसके बेस पर जो है ओव्यूल को डिफरेंशिएट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है या उसे क्लासिफाई किया जाता है, वो तीन पार्ट कौन कौन से, बीजाणु, ये बीजाणु जहां से पकड़ रहे हैं उसको, ये क्या है, इसको कहते हैं बीजाणु ग्रंथ, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनिकल, क्या कहते हैं, फिर इसके बाद बीजाणु ग्रंथ के जस्ट अपोजिट का भाग क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच का भाग क्या कहलाता है, चलाजा। तो ये फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल और ये चलाजा, तीन पार्ट के आधार पर हम यहाँ पर ओव्यूल को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं कि आर्थ्रोट्रॉप, अगर ये तीनों 180 डिग्री के एंगल पर हैं, स्ट्रेट लाइन, तो आर्थ्रोट्रॉपस है, और इसमें क्या हो गया है, इसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई, ऐसी जो ग्रोथ है झुकने लगा, ये कहाँ गया, रिवर्सो कार आ गया, तो माइक्रोपाइल टुवर्ड्स द फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल के नजदीक आ गया, चलाजा कहां चला गया, ऊपर, अब देख रहे हैं आप पोजीशन चेंज हो गई। तो जब चलाजा ऊपर चला गया, तो अभी ये पॉलन ट्यूब यहां से आ सकती थी, अब कहां से आएगी, इधर से घूमकर आएगी, तो ये वाला कौन सा हो गया, एनाट्रोपस हो गया। अब अगर इसका ये वाला पार्ट ऐसा ऐसा हो जाए, तो ये हेमीट्रोपस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो हमारा माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलाजा है, ये एक दूसरे से किस डिग्री पर है, कितने एंगल पर है, इन्हीं की पोजीशन के हिसाब से आर्थो, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, सबसिनोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, ये अलग अलग क्या हो जाते हैं, नाम रखे गए, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, एनाट्रोपस है, 99% प्लांट्स में आवृत बीजी में इसी प्रकार का होता है। और एक होता है सबसिनोट्रोपस, जिसमें चाओ तब से वो ओव्यूल को घेर लेता है, कौन, फ्यूनिकल, वो किसमें होता है, वो इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, वो होता है ओपुंशिया कैक्टस में, नागफली में, उसमें चाओ तब से वो क्या कर लेता है, उसको इनसर्किल कर लेता है, फ्यूनिकल व्रंथ बहुत लंबा हो जाता है, उस व्रंथ ही चाओ तब से बीजाणु को कवर कर लेता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पराग कण का डेवलपमेंट मेल गैमेट का, और मेगास्पोरोजेनेसिस में किसका, फीमेल गैमेट का, और किसका, फीमेल किसके अंदर बनता है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर, ये एम्ब्रॉय सैक, ये है इसके अंदर जो ओवल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रॉय सैक। एम्ब्रॉय सैक के अंदर मेगा स्पोर, ये क्या है, एम्ब्रॉय सैक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है उसमें मेगा स्पोर मदर से डिवाइड करके चार मेगा स्पोर बनाता है, चार से तीन डैमेज हो जाते हैं, एक बचता है, सिंगल मेगा स्पोर जब बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय सैक, एम्ब्रॉय सैक इज द मेगा स्पोर, और एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट, ठीक है ना। और ये पूरा पार्ट क्या है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है, ठीक। तो ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओवरी की वॉल से फ्रूट वॉल बनेगी, ये ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, ओव्यूल की वॉल से क्या बनेगा, सीड कोट बनेगा, और उसके अंदर जब फ्यूजन होगा तो मेल गैमेट जिस समय ओवम से फ्यूज करेगा तो बनाएगा जायगोट, और जिस समय किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियस से, चाहो तब क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश, ये वाली रचना है भ्रूण कोश, यहां पर का है, और जब अंदर फूड के लिए बनता है तो उसे कहते हैं भ्रूण कोश, कोश माने पोषण देने वाला, इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉयड होता है, और ये क्या होता है, इसे कहते हैं एम्ब्रॉय सैक। एम्ब्रॉय सैक कैसा होता है, हैप्लॉयड की डिप्लॉयड, सोच लो,
एम्ब्रॉयड सैक कैसा होता है, भ्रूण कोश, हैप्लॉयड की डिप्लॉयड। अरे यार मेगा स्पोर से बना है तो हैप्लॉयड ना होगा, किससे बना है, मेगा स्पोर ही तो बड़ा हो गया है, और बाकी सारे टिश्यू इसके अंदर जो न्यूसेलस में है ठीक है ना, वो सब डिप्लॉयड है। ऑल द सेल्स इसके बाहर के सारे सेल्स सब क्या है, डिप्लॉयड है। एंडोस्पर्म बाद में बना फ्यूजन के तो डिप्लॉयड हो गया, और ये क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। यही कंडीशन पूछते हैं कि कौन सा हैप्लॉयड है कौन सा डिप्लॉयड है, ध्यान रखिए केवल एम्ब्रॉयस है, ये है हैप्लॉयड, इसके अंदर के जो सेल न्यूक्लियाई सब हैप्लॉयड हो जाएंगे। ये जब एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉयड हो जाएगा, जायगोट बनेगा वो भी डिप्लॉयड है क्योंकि फ्यूजन से बनाया, और बाकी सारी सेल्स पहले से ही क्या है, डिप्लॉयड। इन्हीं में से एक सेल आकार में बड़ी होकर के मेगा स्पोरोजेनेसिस करती है ठीक है ना, और उसी के फलस्वरूप क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस जब मेगा स्पोर बनेगा तो हैप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि मियोटिक यूनिट से क्या बनेगी, चार सेल बन जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कुछ कॉमन चीजें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं ठीक है, कल इसको डिटेल में करेंगे। थैंक यू।